एक्ट्रेस करीना कपूर आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं। करीना काफी अटेंशन सीकर हैं। अपने करियर के शुरुआती दिनों से ही वो चकाचौंध में रहना काफी पसंद करती हैं। करीना को ये कतई पसंद नहीं था कि किसी और एक्ट्रेस को उनसे ज्यादा पब्लिसिटी मिले, और यही वजह थी कि करीना और बिपाशा का झगड़ा हुआ था। ये बात है 2001 की, जब फिल्म अजनबी की शूटिंग शुरू थी। करीना उस वक्त स्टार थी और बिपाशा इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रही थी, लेकिन इस फिल्म में करीना कपूर से ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार बिपाशा बासु का था। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही बिपाशा के अंग प्रदर्शन ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। बिपाशा के इसी हॉट अंदाज की वजह से अजनबी फिल्म सुर्खियों में भी आई। उसी वक्त हर अखबार, हर मैगजीन पर बिपाशा छाई हुई थी, और इसी वजह से करीना को बिपाशा से जलन होने लगी। फिर क्या, करीना बात बात पर बिपाशा को सेट पर सबके सामने बेइज्जत करने लगी, भला बुरा भी कहने लगी। एक दिन गुस्से में बिपाशा ने भी करीना को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, तो करीना ने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद उनके को एक्टर बॉबी देओल ने दोनों को रोकने की कोशिश की, तो करीना ने उन्हें भी सुना दिया। हालांकि बाद में करीना ने बॉबी से माफी भी मांगी और चुपचाप फिल्म की शूटिंग पूरी की। लेकिन जब रेस फिल्म की शूटिंग के बीच सैफ अली खान के साथ बिपाशा का नाम जोड़ा गया, तो करीना एक बार फिर बेकाबू हो गई, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बिपाशा को काली बिल्ली तक कह दिया।